हेलो एवरीवन, आई डॉक्टर संजय शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन पेजिंग। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बेसिक्स ऑफ पेजिंग्स, कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स बेसिक्स। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम addresses, what are the logical addresses and how to implement these logical addresses into physical addresses. So in continuation of this videos, जब CPU जो address generate करता है उसको हम logical address बोलते हैं। तो जब हम paging scheme को use करेंगे या implement करेंगे तो logical address को हम दो part में, दो section में divide करते हैं। First one is page number and second one is पेज ऑफसेट। पेज नंबर क्या होता है? पेज नंबर स्पेसिफाइज द स्पेसिफिक पेज ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम विच सीपीयू वांट्स टू रीड द डेटा। मतलब पेज नंबर आपका एक एड्रेस जनरेट हुआ, मान लीजिए 32 बिट का, उसमें से 4 बिट मैंने यूज किए पेज नंबर के लिए और रिमेनिंग बिट्स मैंने यूज किए पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट का मतलब है कि मान लीजिए कि आपकी बुक का पेज है तो उसमें जो आपकी लाइंस होती हैं, रोज होती हैं, वो उन रोज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पेज ऑफसेट को यूज करते हैं। मान लीजिए एक पेज में 20 लाइंस हैं तो 20 लाइंस के एड्रेसेस होंगे तो वो एड्रेसेस आपके क्या कौन बताएगा? पेज ऑफसेट। और पेज नंबर आपका पेज का नंबर बताएगा कौन से नंबर का पेज है। पेज ऑफसेट स्पेसिफाइज द स्पेसिफिक वर्ड ऑन द पेज दैट सीपीयू वांट्स टू रीड। अब सीपीयू को कौन से रो का कौन सा वर्ड चाहिए वो आप स्पेसिफाई करते हैं पेज ऑफसेट से। तो ये आपके लॉजिकल एड्रेस जो आपको जनरेट करता है सीपीयू, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके उसको फिजिकल एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसी तरीके से फिजिकल एड्रेस जो होता है, हमने पहले ही बताया था आपको कि जो आपके पेज होते हैं और जो फ्रेम होते हैं, पेज हम कब बोलेंगे? जब आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जो ब्लॉक होगा उसको हम बोलेंगे पेज, और जो आपकी मेन मेमोरी मतलब जो आपकी रैम के अंदर जो ब्लॉक होगा उसको हम बोलेंगे फ्रेम। इन दोनों का साइज इक्वल होगा और जितने भी ब्लॉक्स होंगे या जितने भी फ्रेम्स होंगे उन सभी के साइज इक्वल होंगे। तो फिजिकल एड्रेस जो होगा आपका उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, फ्रेम नंबर एंड पेज ऑफसेट। तो फ्रेम नंबर भी क्या काम करता है? वही पेज का काम करता है। फ्रेम नंबर स्पेसिफाइज द स्पेसिफिक फ्रेम वेयर द रिक्वायर्ड पेजेज इज स्टोर्ड। एंड ऑल्सो पेज ऑफसेट मतलब उस फ्रेम के अंदर कौन से नंबर के वर्ड को आपको, कौन से नंबर की रो का डेटा आपको चाहिए वो आपका पेज ऑफसेट स्पेसिफाई करेगा। तो ये आपके फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस क्लियर हुए। अब इसी में हम चलते हैं कि जब पेजिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली ये इसका हार्डवेयर डाइग्राम होता है पेजिंग का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले क्लियर करूँ कि ये आपका सीपीयू है। सीपीयू ने 32 बिट का मान लीजिए एड्रेस जनरेट किया तो उसमें से उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज फिजिकल पेज नंबर एंड सेकंड वन इज ऑफसेट। अब मान लीजिए मुझे कोई एक पेज है जिसमें नंबर ऑफ रोज 100 है, उसमें से मेरे को 30 नंबर की रो को रीड करना है तो वो रो कौन से पेज में है? मान लीजिए फोर्थ नंबर के पेज में है और एक पेज में 100 लाइन्स आती हैं, उसमें से मैं 30 नंबर की रो को रीड करना चाहता हूं। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस, इस पूरे के पूरे एड्रेस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पेज नंबर एंड ऑफसेट। अब पेज नंबर हमने यहां पर लिया कि फोर्थ नंबर का पेज चाहिए, उस फोर्थ नंबर के पेज में 30 नंबर की जो रो है वो डेटा मुझे रीड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया जिसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं उसको डिवाइड किया। अब ये जो आपका होगा पेज नंबर, ये पेज नंबर आपका कहाँ कैसे रीड करेगा? तो इसके लिए हम पेज टेबल मेंटेन करते हैं और ये जो पेज टेबल होगी, जितनी भी प्रोसेसेस आप मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं उन सभी की अपनी खुद की एक पेज टेबल होगी और उस पेज टेबल का एक एड्रेस होगा जो कहाँ पर स्टोर होता है, पेज टेबल बेस रजिस्टर में। इस पूरी की पूरी टेबल का एड्रेस होगा, इस टेबल का कोई बेस एड्रेस होगा, मतलब इनिशियल एड्रेस ये वाला, ये हमको PTBR से मिलेगा। तो इसमें एड्रेस मिला और इस एड्रेस से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से नंबर का पेज, तो इन्होंने बोला फोर्थ नंबर का, तो ये फोर्थ नंबर के पेज को करेगा। अभी मान लीजिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर का पेज
चाहिए मुझे, तो पी वन ने स्पेसिफाई किया। अब फर्स्ट नंबर के पेज में हमें इस जो ब्लॉक के अंदर क्या मिलेगा, इस ब्लॉक के अंदर मिलेगा हमें फ्रेम का एड्रेस। क्यों? क्योंकि ये आपकी मेन मेमोरी है, एक्चुअल में डेटा तो यहीं पर स्टोर्ड है। तो फ्रेम कौन से नंबर का फ्रेम हमें चाहिए, फ्रेम उस नंबर का चाहिए, वो एड्रेस आपको यहां पर मिलेगा और ये एड्रेस कहां जाएगा, इस फ्रेम नंबर में। अब हमें एग्जैक्टली लोकेशन मिल गई किसकी, मेन मेमोरी मतलब रैम के अंदर हमारा फ्रेम कहां पर स्टोर्ड है, तो उसका एड्रेस मुझे यहां से मिल जाएगा। अब मान लीजिए फ्रेम का एड्रेस जो मिला उसमें हमने ऐड कर दिया लाइन नंबर, मतलब मुझे अगर किसी पेज का, बुक के किसी पेज का पेज नंबर पता चल जाए तो उसके कौन से नंबर की रो को मुझे रीड करना है वो कौन बताता है, ऑफसेट। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पर 4040 नंबर का पेज मिला, तो 40 नंबर के पेज में 30 नंबर की रो मुझे रीड करनी है, तो यहाँ से जो पेज नंबर फ्रेम नंबर मिलेगा और यहाँ पर ऑफसेट मिलेगा तो वो डायरेक्टली जाकर के उस पर्टिकुलर रो को रीड कर सकता है। तो ये बेसिकली इसका आर्किटेक्चर था। ये जो पेज टेबल है ये मेन मेमोरी है, तो पेज टेबल बेसिकली मैपिंग का काम करती है कि ये जो आपका सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया है लॉजिकल, इस लॉजिकल एड्रेस को कैसे हम फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करें, यही हमारा काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का। तो मैं प्रीवियस वीडियोज में भी इस चीज को मैंने डिस्कस किया था कि जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है उसका क्या बेसिक फंक्शन क्या होता है, उसका बेसिक फंक्शन होता है कि लॉजिकल एड्रेस मतलब जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया है उस एड्रेस को कैसे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करें। फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हम रैम में कैसे उसको मैप करें, ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हमें समझें, तो जो जैसे पेज टेबल है, पेज टेबल में क्या क्या रहेगा, एक तो पेज नंबर रहेगा और जिस फ्रेम होगा उस फ्रेम का बेस एड्रेस। फ्रेम का बेस एड्रेस से क्या मतलब है, फ्रेम का बेस एड्रेस मान लीजिए P3 है तो P3 का बेस एड्रेस क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस। अब मान लीजिए ये P1 कहाँ पर स्टोर है, यहाँ पर, तो इसका बेस एड्रेस ये हो गया। तो ये आपको एड्रेस कौन देगा, ये एड्रेस आपको यहाँ से मिलेगा जो आपकी पेज टेबल है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल जैसा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपका CPU है। देखिए यहाँ पर ये जो CPU है, इस CPU से CPU ने जो एड्रेस जनरेट किया उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पेज नंबर एक ऑफसेट। ऑफसेट पेज नंबर 50 नंबर का मेरे को रो चाहिए या डेटा चाहिए, ब्लॉक चाहिए। तो 5th नंबर का जो पेज है, तो ये आपकी पेज टेबल है। इस पेज टेबल में ये जो आपका कॉलम है 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, ये आपको बताएंगे पेज नंबर। तो कौन सा पेज नंबर है, 5th नंबर का, तो यहाँ 5th नंबर के पेज में आ गए। अब ये जो लिखा हुआ है 2, इसका मतलब है कि ये जो फ्रेम है 5th नंबर का जो पेज है वो कौन से फ्रेम में मिलेगा, 2nd नंबर के फ्रेम में। अब ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ, उसका मतलब है कि 1 मतलब बिट वैलिड है, वैलिड है मतलब ये मेन मेमोरी में पेज अवेलेबल है। 0 का मतलब होगा, अगर 0 होता है यहाँ पर, कि वो पेज आपकी मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, वो सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि मेन मेमोरी में नहीं है तो उसको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर 2 है। अब ये जो फ्रेम था फिजिकल एड्रेस का जो हमने डिवीजन किया था, तो यहाँ से मिल गया 2, 2 मतलब यहाँ पर हमने लिखा कि ये आपका फ्रेम का एड्रेस मिल गया। तो फ्रेम कहाँ है, फ्रेम आपकी मेन मेमोरी में है, तो इस मेमोरी में हम सेकंड पर जाएंगे और सेकंड में देखेंगे पेज 5th, और कौन सी प्रोसेस का है, ए का। तो 5th प्रोसेस का 5th नंबर का ब्लॉक आपको रिटर्न हो जाएगा, CPU उसको रीड कर लेगा, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये आपकी प्रोसेस ए है, ये आपकी प्रोसेस बी है, तो ये 5th नंबर का पेज उसने एक्सेस किया था। तो इस तरह से हम इसमें मैपिंग करते हैं और इसी को, यही काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज आपके होते हैं कि जब हम पेजिंग यूज करते हैं तो इसमें एक्सटर्नल जो फ्रेगमेंटेशन है वो रिमूव हो जाता है, जो कि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में था। पेजिंग सिंपल होती है इंप्लीमेंट करने के लिए और इक्वल साइज इसके पेजेस का होता है, फ्रेम का होता है, तो हमें स्वैपिंग करने में आसानी होती है मेन टू सेकेंडरी मेमोरी। अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या आता है, डिसएडवांटेज ये आता है कि हर एक प्रोसेस का हमें अलग से पेज टेबल मेंटेन करना होता है, जिससे हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्ट होती है, उसका हमें कोई यूज नहीं होता है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये इस तरह से आप पेजिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।